श्रावस्ती की राजसी युद्ध परिषद सुहेल देव के निजी कार्यालय कक्ष में जमा हुए थे। सुहेल देव, तोशानी, काशीनाथ, गोवर्धन और अब्दुल एक मेज के चारों तरफ जमा हुए थे और इलाके के वृहत मानचित्र को देख रहे थे। मानचित्र बड़ा था, जिसमें भौगोलिक स्थिति, शहरों, गांवों, नदियों और यहाँ तक कि नालों के भी विवरण थे। बुद्धिमान योद्धाओं का कहना था कि इलाके की पूरी जानकारी होने का मतलब आधी लड़ाई जीतना है। मानचित्र के ऊपर मिट्टी के कई पुतले रखे गए थे, जो घुड़सवारों, तीरंदाजों, पैदल सैनिकों और दूसरे फौजी ढांचों को दिखा रहे थे। असलान मेज की दूसरी तरफ था। राज्य संघ के सभी राजा भी उपस्थित थे। हमारे पास संख्या बल है, असलान ने कहा, लेकिन तुर्कों की घुड़सवार सेना उन्हें ताकतवर बना देती है, जो तेजी से आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और बहुत कुशल योद्धा हैं। हमारे पास भी अच्छी घुड़सवार सेना है, अब्दुल ने कहा। उसे असलान की बात में भारतीय योद्धाओं का तिरस्कार दिख रहा था, और हम उनसे युद्ध कर सकते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारी घुड़सवार सेना बहुत अच्छी है, बहादुर अब्दुल, असलान ने कहा। उसकी आवाज विनम्र और शांत थी, लेकिन वो तुर्क घुड़सवार सेना को हरा नहीं पाएंगे। मेरा यकीन करो, उनके पास हमसे 3 गुना घोड़े हैं और उन घुड़सवारों को बार बार युद्धों का अनुभव है। अगर हम उन्हें युद्ध के दौरान पीछे भी रख सके तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गोवर्धन ने चुपचाप मेज के नीचे से अब्दुल का हाथ पकड़ा और अब्दुल चुप हो गया। असलान ने मेज के चारों तरफ देखा। मुझे यकीन है कि मकसूद दोनों पक्षों से हमारी फौज पर अपने घुड़सवारों का हमला करेगा। उसकी मदद के लिए तीरंदाज बुलाए जाएंगे, जो हम पर तीर बरसाएंगे। अगर उनकी घुड़सवार सेना कामयाब होती है, जो अभी तक हर युद्ध में दिखा है, तो फिर वो हमारी पैदल सेना पर दोनों तरफ से हमला करेगी और तभी उनकी पैदल सेना सामने से वार करेगी। फिर वो हमें ऐसे फंसा लेंगे जैसे चिमटे में पकड़ लिया हो, और फिर वो अपनी आरक्षित सेना को बुला लेगा। उसके बाद केवल नरसंहार होगा। मकसूद की रणनीति को समझते वक्त असलान मिट्टी के पुतलों को मानचित्र पर चारों तरफ घुमाकर दिखा रहा था, ताकि मकसूद की फौज की चाल को आसानी से समझा जा सके। अब उसके सारे पुतलों को उनकी वास्तविक स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने सुहेल देव की तरफ देखा। मकसूद हथियार डालने का मौका नहीं देगा, तुम्हारी सेना को बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी सेना के हर आदमी को काट डालना चाहेगा, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। सुहेल देव मुस्कुराया। यह चीज हम दोनों में एक जैसी है, मेरी तरफ से भी कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि मेरा इरादा भी तुर्कों के हर एक सैनिक को मार डालने का है। हर हर महादेव, तोशनी ने नारा लगाया। जय श्री राम, सुहेल देव के एक सहयोगी राजकरण ने कहा। अल्लाह हू अकबर, अब्दुल ने कहा। असलान के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आई। आप सभी को ज्यादा ताकत मिले, लेकिन ईश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे अगर आप तुर्क घुड़सवारों को नहीं रोक सके। आपके पास इसके लिए योजना होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी तरह उनकी घुड़सवार सेना को रोक सके, तो हम अपनी पैदल सेना की मदद से उनको सामने की सैन्य टुकड़ी पर हमला कर सकते हैं, और फिर हमारा संख्या बल काम आएगा। तब अल्लाह हमें फतह नसीब कराएगा। सुहेल देव ने अपनी आंखें सुकोड़ी। मैंने सुना है कि कई बार मकसूद की घुड़सवार सेना पीछे हटने का दिखावा भी करती है। असलान ने चौंक कर ऊपर देखा और फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। यह आदमी वाकई में समझदार है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, असलान ने कहा। कभी कभी तुर्क दिखावा करते हैं कि वो पिछड़ रहे हैं और भागने लगते हैं। दुश्मन घुड़सवार सेना को उनका पीछा करने के लिए ललचाया जाता है, उन्हें अपनी तरफ अंदर खींचते हैं एक जाल में। उन्हें
ऐसा लाहौर में किया था। पूरी दुश्मन घुड़सवार सेना को कुचल दिया गया था। सुहेल देव ने गोवर्धन और अब्दुल की तरफ देखा। चाहे जो हो जाए, हमारे घुड़सवारों को हमारी सेना के करीब ही रहना चाहिए। अगर दुश्मन पीछे हटे तो उनके पीछा नहीं करना है, उन पर हमला नहीं करना, बस बचाव करना है। गोवर्धन ने कहा, अगर हमारी घुड़सवार सेना केवल बचाव करेगी तो फिर आप युद्ध कैसे जीतेंगे? सुहेल देव ने नीचे नक्शे की तरफ देखा। अगर हमारे घोड़े युद्ध नहीं जीत सकते तो फिर हमें युद्ध के मैदान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। सभी ने उसकी तरफ देखा, वो कुछ समझ नहीं पाए। हमें युद्ध का मैदान ऐसा चुनना होगा जहां घुड़सवारों का हमला मुश्किल होगा। सुहेल देव ने कहा, इस वक्त तुर्क कहाँ है? उन्होंने सतरीज में पड़ाव डाला है। तोशानी ने कहा, हमारे जासूस सैनिकों से पता चला है कि वो रसद इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनकी कुछ टुकड़ियां दूसरे राज्यों में हमला करने के लिए गई है। एक बार जब वो जमा हो जाएंगे तब तुर्क हमारी ओर बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ हफ्ते और। सुहेल देव ने काशीनाथ की तरफ देखा। राजेंद्र चोल को एक आपातकालीन संदेश भेजा जा चुका था कि उनकी सहायता की आवश्यकता योजना से काफी पहले होगी, लेकिन क्या राजेंद्र चोल के सैनिक समय पर पहुंच पाने में सफल होंगे? उस बारे में इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता था। बस अच्छा होने की उम्मीद करो और लड़ो। सुहेल देव ने फिर से नक्शे पर ध्यान लगाया और तुर्क सेना के संभावित मार्गों पर अपनी तर्जनी उंगली दौड़ाई और तभी वो एकाएक रुका। यहाँ उसने नक्शे पर उंगली टिकाई। तुर्कों को इस रास्ते से आना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है, इतना बड़ा कि हमारी पूरी सेना वहां आ सकती है। इसके दाहिनी तरफ एक झील है और बाईं तरफ घने जंगल। ये प्राकृतिक रुकावटों का काम करते हैं। तुर्क हम पर छकाकर हमला नहीं करेंगे, इनसे हुने होकर आना पड़ेगा। उन्हें हम पर सामने से ही हमला करना होगा। अगर हम उन्हें प्राकृतिक रूप से संकुचित किनारों पर रोक सके तो हम उन्हें युद्ध के लिए बीच में ला सकते हैं। सभी ने झुककर फिर नक्शे की तरफ देखा। तौशानी ने उस बात को शब्द दे दिए जो बाकी सब सोच रहे थे। हाँ, ये तरीका काम कर सकता है। सुहेल देव ने अपनी नजरें नक्शे से हटाकर अपने सभी सलाहकारों पर दौड़ाई। मेरा मानना है कि हमें इसी वक्त वहां चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैदान वाकई में ऐसा दिखता है। अगर ये ऐसा है तो हमें अपना अड्डा यही बनाना होगा। उसकी आंखें अस्लान पर रुकी जो परेशान दिख रहा था। क्या बात है? अस्लान ने लंबी सांस ली। मैदान वैसा ही दिखता है जैसा नक्शे में दिखाया गया है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ महीने अपने छोटे से दल के साथ वहां रहा था। यह एक कुदरती और खूबसूरत जगह है। यहाँ हमें असीम शांति मिली। माना जाता है कि वहां झील के पानी में चमत्कारी औषधीय शक्ति है और तीर्थयात्री अक्सर वहां इसी उम्मीद में स्नान करते हैं कि ये उनके रोगों को ठीक कर देगा। मेरा दिल इस बात से बेचैन है कि इस जगह पर खून बहेगा और जिंदगियां खत्म होगी। सुहेल देव ने अपने दोस्त के कंधे को थपथपाया। जब युद्ध खत्म हो जाएगा हम वहां पूजा के लिए एक सुंदर जगह बनाएंगे जो सभी के लिए खुला रहेगा। यह जगह खून से अपवित्र नहीं होगी बल्कि पवित्र हो जाएगी। यही हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाएंगे और अपने दुश्मनों का भी। अलसान चुप रहा, अपनी सोच को अपने तक सीमित रखते हुए देखते हुए। अल्लाह किसे अपनी रहमत देगा? करीम है, तुम हो और मैं हूँ। सुहेल देव फिर बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। सेना को चलने के लिए तैयार कर दो। हमें उस स्थान पर समय पर पहुंचना है ताकि हम तुर्कों का स्वागत अच्छे से कर सके।
श्रावस्ती के राजा ने मुस्कुराते हुए सभी लोगों की पीठ थपथपाई जब वो तंबू से बाहर जा रहे थे। जब वो अकेला रह गया तभी उसने आत्मविश्वास से भरे हाव भाव को चेहरे पर जाने दिया। जब वो मेज के पास पहुंचकर उसने देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। यही भारत माता का भविष्य तय होगा। भगवान शिव हमारी मदद करें, हमें विजय का आशीर्वाद दें। अगर लेना है तो मेरे प्राण ले, लेकिन हमें विजय का आशीर्वाद दे। जब सुहेल देव नक्शे को देख रहा था तो उसे लग रहा था कि पूरा नक्शा धीरे धीरे मिटता जा रहा है और सिर्फ उस स्थान पर सिमटता जा रहा है जिसने उसे रेखांकित किया था। युद्ध के उस मैदान के पास के शहर का नाम साफ और मोटे अक्षरों में दिख रहा था, मानो वो उसे घूर रहा हो। बहराइच। सुहेल देव ने अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर ली जब विजय लक्ष्मी उसके माथे पर तिलक लगाया। सुहेल देव के निजी कार्यालय में रणनीति तय करने के लिए बैठक को सिर्फ 3 दिन ही बीते थे और उसकी सेना कूच करने के लिए तैयार थी। परंपरा के अनुसार वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में आया था और परंपरा के अनुसार ही उनकी माँ ने विजय का आशीर्वाद दिया था, केवल विजय का। विजय लक्ष्मी के शब्द साफ थे, जीत कर आना या फिर वापस मत आना। क्यों दंतिया है कि वैदिक युग के समय से ही गर्व से भरे पारिवारिक सदस्य अपने परिवार के योद्धाओं को आशीर्वाद इन शब्दों के साथ देते थे। दरअसल कई लोग मानते हैं कि भगवान राम और देवी सीता ने एक दूसरे को यही आशीर्वाद दिया था जब वो युद्ध लड़ने गए थे, और कई सहस्राब्दियों से पहले देवी सीता ने यही पंक्ति भगवान शिव को कही थी जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे। क्योंकि सच्चे योद्धा कभी भी लंबे जीवन की आशंका नहीं करते, उन्हें केवल विजय की आशंका होती है, केवल विजय की। विजय प्राप्ति की राह में मिली मृत्यु उन जीवन से बेहतर है जो पराजय के साथ समझौता के बाद मिले। सुहेल देव अपनी माँ के चरण स्पर्श करने के लिए झुका। थोड़ी देर के लिए एक माँ की भावनाएं विजय लक्ष्मी के गर्वित राजसी आचरण पर हावी हो गई। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया और तुरंत ही उसे छोड़ दिया। जाओ जाओ मेरे पुत्र, भारत माता को विजय दिलाओ, जय माँ भारती, सुहेल देव ने धीरे से दोहराया। जय माँ भारती, श्रावस्ती का राजा मुड़ा और अपने सेवक की तरफ इशारा किया, जिसने तुरंत ही राजसी टोप को उसकी तरफ बढ़ाया। सुहेल देव ने उसे पहना और तनकर चलता हुआ अपनी माँ के निजी कक्ष से निकल गया और फिर राजमहल से निकलते हुए वो चौराहे पर पहुंचा जहां उसका घोड़ा और निजी रक्षक इंतजार कर रहे थे। सैनिकों ने हर्ष ध्वनि की जब उसने उनके राजा को आते हुए देखा। सुहेल देव ने उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए थोड़ी देर के लिए हाथ उठाया। सेवक एक घोड़े को सुहेल देव के पास ले आया। राजा ने घोड़े की काठी थामी और आसानी से अपने घोड़े पर एक छलांग के साथ सवार हो गया। सुहेल देव ने मुड़कर अपने मुख्य सेनापतियों तौशानी, अब्दुल और गोवर्धन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। फिर सुहेल देव ने अपने योद्धाओं की तरफ देखा, भारत माता के योद्धाओं की तरफ। मेरे सैनिकों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, सुहेल देव की सेना के पुरुष और स्त्रियां चुप हो गए। वे अपने राजा, अपने नेता की बात ध्यान से सुन रहे थे। हमें उस बर्बर तुर्क गजनी के सालार मकसूद का एक संदेश मिला है, सैनिकों की तरफ से गुस्सा और नफरत भरी आवाज आने लगी। उस नाम के लिए नफरत अपने चरम पर थी। सुहेल देव ने अपना हाथ उठाकर सभी को शांत किया। दरअसल उसने हमें कहा है कि धरती की सारी जमीन उसके ईश्वर की है, और चूंकि वो अपने ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो अपनी संपत्ति की मालिकाना हक लेने आया है। उसने हमें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। तुर्कों के खिलाफ गुस्सा फिर फूट पड़ा।
सैनिक मकसूद को गालियां बकने लगे। सुहेल देव के इशारे के बाद फिर से वे शांत हुए। मैंने उसे बस इतना संदेश दिया है कि भारत में धरती स्वयं में ईश्वर है। सैनिक पूरे ध्यान से सुन रहे थे। सुहेल देव ने अपनी आवाज बढ़ाई। उसके शब्द हर किसी के कान में गूंज रहे थे। उसे भारत माता पर अधिकार जमाने का दुस्साहस कैसे हुआ? भारत माता पर किसी का अधिकार नहीं है, भारत माता का अधिकार हम सब पर है। योद्धा की तरह गर्जना होने लगी भारत माता के योद्धाओं की तरफ से। अगर वो ये बात नहीं समझता है तो हम उसकी बात भारत माता से कराएंगे। हम बहराई चलेंगे, हम उन तुर्कों के हर एक सैनिक को मार गिराएंगे, हम उस कमीने सालार मकसूद का सर काट लेंगे, हम उन सभी को भारत माता की मिट्टी में दफन करेंगे, फिर वे उनसे बात कर सकते हैं। जय मां भारती, जय मां भारती, तौशानी अब्दुल और गोवर्धन ने नारा लगाया। जय मां भारती, सेना की गर्जना हुई। जय मां भारती, जय मां भारती। मातृभूमि के प्रति समर्पित इन गर्जनाओं के साथ योद्धाओं ने अपना कूच शुरू किया। बहराइच की ओर, नियति की पुकार की ओर, भारत माता की पुकार की ओर। अध्याय 28। बहराइच के पास उस खुले मैदान में सुहेल देव की सेना को श्रावस्ती के मार्गदर्शक सैनिकों के नेतृत्व में पहुंचे एक हफ्ता ही हुआ था। वहां पहले पहुंचने की वजह से उन्होंने अपने लिए बेहतर जगह चुन ली और अपना अड्डा जमा लिया था। कुछ दिनों तक तुर्क युद्ध के मैदान के करीब आने से बचते रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें जिस जगह को लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा वो उनके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं होगी। उन्होंने सुहेल देव के शिविर को लूटने की कोशिश की ताकि उसकी सेना वहां से हट जाए, लेकिन जब इसका फायदा नहीं हुआ तो तुर्कों के पास उस युद्ध के मैदान की तरफ कूच करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा जिसे सुहेल देव ने चुना था। भारतीय सेना में सैनिकों की तादाद तुर्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। अनुभवी तुर्क सेनापति और जासूसों के साथ एक बैठक करके ये अनुमान लगाया था कि भारतीय सैनिकों की तादाद लगभग 70,000 की होगी, जिसका मतलब था कि उनकी संख्या तुर्कों के मुकाबले करीब 10,000 से अधिक थी। लेकिन इसके लिए तुर्क ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका प्रधान सेनापति सालार मकसूद भारतीय सेना के बारे में अंदरूनी जानकारियां रखता था। वो हफ्तों तक गायब रहता था और वेश बदलकर भारत में चुपचाप घूमता और उन राज्यों की जानकारी जुटाता था जिसे वो जीतना चाहता था। तुर्कों में से कुछ को ही पता था कि सालार मकसूद ने कहां कहां की यात्रा की थी, लेकिन साफ तौर पर भारत के बारे में उसकी जानकारी का युद्ध में एक बड़ा रणनीतिक फायदा हुआ था। और चूंकि सालार मकसूद को भारतीयों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी, उसने अपने सेनापतियों और सैनिकों को इस बात के लिए तैयार रखा था कि उनका सामना कई बड़ी शत्रु सेना से होगा। उसने उन्हें यह भी समझाया था कि भारतीयों की बड़ी तादाद से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके ज्यादातर सैनिक पैदल सेना के हैं, ना कि ज्यादा अहम घुड़सवार सेना में। लेकिन भारत के बारे में उसकी जानकारी और युद्ध की रणनीति कितनी भी अच्छी हो, सुहेल देव ने उसे युद्ध के इस मैदान में उसकी स्थिति के मामले में मात दे दी थी। युद्ध के मैदान में देरी से पहुंचना और वहां कमजोर स्थिति पर लड़ने के लिए मजबूर होना तुर्कों के लिए साफ तौर पर दर्दनाक था। वो उस छोटी नदी के रास्ते के नीचे की तरफ थे जो दोनों शिविरों से लगकर बहती थी। इसका मतलब था कि सुहेल देव के शिविर की गंदगी उस पानी को गंदा करेगी जो बहकर तुर्कों तक पहुंचेगा। इसने पहले ही तुर्कों के शिविर में कुछ बीमारियां फैला दी थी। यही नहीं, तुर्कों के मार्गदर्शक सैनिकों ने जानकारी दी थी कि उनके शिविर से युद्ध के मैदान तक पहुंचने के रास्ते में कई बड़े गड्ढे हैं, जो एक पुराने सूखे जल मार्ग है। इससे तुर्क सैनिकों को अपने पैदल सैनिकों और घुड़सवारों को युद्ध के लिए माकूल ढांचे की शक्ल में भेजना मुश्किल होगा। एक तरफ से घने जंगल और दूसरी तरफ झील के बंधनों से निश्चित रूप से तुर्क घुड़सवारों के लिए
पूरी ताकत से युद्ध में कूदना मुश्किल बना दिया था। सुहेल देव पहले पहुंच गया था और उसने उसका अच्छा फायदा उठा लिया था। तुर्क ये बात जानते थे और वो युद्ध से बच रहे थे। अभी तक रात काफी बीत चुकी थी। तुर्कों का आक्रमणकारी घुड़सवार दल चुपचाप घने जंगलों से गुजर रहा था। उनके जिनकी रकाबों को कपड़ों से ढक दिया था ताकि उनकी आवाज ज्यादा न हो। तलवारों और चाकुओं पर कपड़ों की पट्टियां थी जो मयान के बाहर निकलते वक्त अपने आप फट जाती। कपड़ों की पट्टियों ने मयान के अंदर धातुओं से टकराने की आवाज को कम कर दिया था। घोड़े की नाल को चमड़े से ढक दिया था ताकि जमीन पर चलते हुए उनके कदम ताल की आवाज कम आए। मौखिक आदेश देने पर सख्त रोक थी। निर्देश के लिए तुर्क फौज में आगे रहने वाले सिपाहियों को सिर्फ पक्षियों की आवाज निकालने की हिदायत थी। यह एक दुस्साहसी और खतरनाक मिशन था, लेकिन सालार मकसूद इससे बेचैन नहीं था। करीम की सलाह के खिलाफ उसने इस हमलावर दस्ते की अगुवाई खुद करने का फैसला किया था। उसने करीम को साफ कहा था, मेरा यकीन करो, हमें बस वहां घुसपैठ करके सुहेल देव को मारना है। उसके बाद सारे भारतीय बिखर जाएंगे और तब हम उनका पीछा करके सबका कत्ल कर देंगे। मकसूद की योजना साधारण थी, युद्ध की भारतीय परंपरा को तोड़ देना, जहां सूरज डूबने के बाद निहत्ते और सोए हुए विपक्ष पर हमला नहीं करने की परंपरा थी। तुर्कों की योजना थी कि रात में दुश्मन के शिविर पर हमला करो, वहां गड़बड़ी फैला दो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैनिकों और घोड़ों को मारो ताकि दुश्मन की घुड़सवार सेना को नाकाबिल बना दिया जाए। लेकिन सबसे अहम था कि कमांडो सैनिकों का एक छोटा सा दस्ता राजसी शिविर में घुसपैठ करे और सुहेल देव को मार डाले, और फिर हमलावर दल बची हुई तुर्क सेना को संकेत भेजेगा कि वो पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर दे। सूरज के उगने तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, सालार मकसूद ने सोचा और उस बर्बादी को याद करने लगा जो तुर्कों ने दिल्ली के पास रात के हमले में तोमर सेना के साथ मचाई थी। लेकिन जहां दिल्ली के पास युद्ध में तुर्कों को उनके दुश्मन को सोते हुए मिले थे, लेकिन इस बार भारतीय सतर्क थे। छावनी तक पहुंचने के रास्ते में काफी उजाला था। सुहेल देव के संतरियों को जोड़े में तैनात किया गया था और सभी सिपाही के पास तुहरी थी ताकि जरूरत पड़ने पर चेतावनी दी जा सके। रात के पहरेदारों को आग के पास बैठने की इजाजत नहीं थी क्योंकि आग की गर्मी से कुछ पहरेदारों को नींद आ सकती थी। उन्हें हर 2 मिनट में अपने पड़ोसी संतरी को प्रकाश संकेत भेजना होता था जो उनकी 100 मीटर की दूरी पर तैनात थे। अगर रात्रि पहरियों के किसी भी जोड़े को पड़ोसी संतरी से निर्धारित समय पर संकेत ना मिले तो मान लिया जाता था कि उन संतरियों को मार दिया गया है और चेतावनी के लिए तुरी बजाई जाएगी। पहरेदारी अनुशासित, सुनियोजित और सतर्कता भरी थी। काफिर सीख रहे हैं, सालार मकसूद ने बेमन से सोचा था। सुहेल देव तेज है। इकलौता रास्ता जहां सुरक्षा थोड़ी कम थी वो भारतीय छावनी का वैसा हिस्सा था जो घने जंगल से लगा था। शायद उन्होंने अनुमान लगाया था कि तुर्क उस रास्ते से वहां तक बड़ी तादाद में घुड़सवारी करके नहीं पहुंच सकेंगे। सालार मकसूद इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि सुहेल देव ने तुर्क सैनिकों के लिए बिल्कुल ऐसा ही कदम उठाने की उम्मीद की थी। अवसर अक्सर जो आपको दुश्मन की कमजोरी दिखाई देती हो वो वास्तव में सुनियोजित चाल होती है। जब सालार मकसूद जंगल से गुजर रहा था, एक चीज उसके दिमाग में साफ थी, उसके खेमे में मुसलमान है। सुहेल देव ने नादानी से उन्हें स्वीकार कर लिया है। मुसलमान अपने हिंदू नेता के खिलाफ हो जाएंगे जब वो दूसरे पक्ष अपने साथी मुसलमान को देखेंगे। सुहेल देव का अंदरूनी दस्ता और उसके अंगरक्षक ही उसे मार डालेंगे। मैं जीत जाऊंगा, मैं राज करूंगा। जब तुर्क चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, जोर से पक्षी की आवाज सुनाई दी। पक्षी की आवाज का लहजा और लंबाई निश्चित रूप से तुर्कों का नहीं था। सभी ने एक जैसी बात सोची है, ये जरूर किसी पक्षी की आवाज होगी। लेकिन सालार मकसूद के अंदर जैसे कुछ चुभा।
सब कुछ सही नहीं लग रहा था। हालांकि पक्षी की आवाज बिल्कुल सही थी, लहजा, स्वर, तेजी, लंबाई, हर चीज बिल्कुल सही थी। मकसूद घुड़सवारी कर रहा था। अब बहुत जल्दी उसका हमलावर दस्ता भारतीय छावनी तक पहुंच जाएगा और फिर उसकी जीत होगी। लेकिन उसका दिमाग बार बार पक्षी की उस आवाज की तरफ जा रहा था। उसने अपना सिर इनकार में हिलाया। वो एकदम सही थी। तभी मकसूद जम सा गया। उसके दिल में जो चेतावनी से उठी थी, अचानक एक साफ सोच में बदल गई थी। वो कुछ ज्यादा ही सही थी। ये कोई परिंदा नहीं है। मकसूद ने तुरंत अपनी ढाल आगे की और पूरी ताकत से चिल्लाया, ढाल ऊपर करो। उसी वक्त हवा में एक तीर उड़ने की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद दर्द भरी घुटी सी चीख, क्योंकि वो तीर एक तुर्क हमलावर के गले में जा धंसा, जो पीछे की ओर लड़खड़ाया और धमाके की आवाज के साथ अपने घोड़े से जमीन पर गिर गया। अब तक सभी तुर्कों ने अपनी ढाल सामने कर ली थी, लेकिन तीर सभी दिशाओं से उड़ते हुए आ रहे थे। आप तीरों की उस बारिश से अपना बचाव नहीं कर सकते थे जो आपको दिखाई भी ना दे। हमलावर अपनी अपनी जगहों पर रुके हुए थे और एकाएक हालात बदलने से जम से गए थे। वो अपनी ढाल के पीछे छिप रहे थे। कुछ क्षण के भीतर कई और काठिया खाली हो गई, जब तीरों की बारिश उन हमलावरों पर टूट पड़ी। घने जंगल में इतना अंधेरा था कि तुर्क को ये ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि उनके कितने आदमी मर रहे थे, लेकिन आवाज से समझ में आ रहा था कि कई आदमी मारे गए थे और भारतीयों की जोरदार गर्जना तुर्कों के आतंक को बढ़ा रही थी, जो एकाएक उन पर छा गया था। मकसूद ने अपने ढाल को मजबूती से पकड़ रखा था। वो अपने आप को घेरे हुए सैनिकों के करीब था और उन्हें मानो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि हालात ना उम्मीदी भरे हैं। वो हमें चुन चुन कर मार रहे हैं। एक भारतीय की जोर से आवाज सुनाई दी, रोशनी। यह आवाज अब्दुल की थी। वो तुर्कों के खिलाफ घात लगाकर बैठा हुआ था। इस हमले में भारतीय तीरंदाजों का अगुआ था। अचानक दूर से रोशनी आनी शुरू हो गई। भारतीयों ने कुछ मशाले जला ली थी, कोशिश कर रहे थे कि इस रोशनी में वो तुर्कों को देख सके ताकि उनके तीर सही निशाने पर लग सके। तीर उड़ते रहे और मरने वाले तुर्कों की तादाद बढ़ती रही। सभी भारतीय पेड़ों की ऊंचाई पर छिपे थे, वहां मचान बनाकर अच्छी तरह से सुरक्षित थे। उन्होंने पहले से ही योजना बना ली थी। मकसूद सोच विचार कर बनाए गए जाल में सीधे कूद पड़ा था। दर्द से चीखते तुर्कों की हताशा भरी आवाज रात में गूंज रही थी और उसके साथी भारतीयों के युद्ध की जोरदार हुंकार, हर हर महादेव, जय श्री राम। लेकिन युद्ध की एक हुंकार ऐसी भी थी जिसने तुर्कों के दिलों में डर भर दिया था। आम तौर पर यह हुंकार उनके भीतर ताकत देती थी, अब यह उन्हें आतंकित कर रही थी। अल्लाहु अकबर जो हुंकार तुर्कों के भारत पर आक्रमण करने पर गूंजती थी, अब वो भारत माता की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की तरफ से सुनाई दे रही थी। अल्लाहु अकबर पूरे तौर पर हर हर महादेव और जय श्री राम के साथ जुड़ गए और ये सभी हुंकार मिलकर युद्ध के उस हुंकार में दिखाई दे रहे थे जो वास्तव में मायने रखती थी, वो हुंकार जो उन सभी को एक करती थी। जय माँ भारती, जय माँ भारती। तुर्क गिरते रहे और भारतीय तीर उन्हें चीरते रहे। मकसूद के बाई तरफ खड़ा एक तुर्क जोर से चिल्लाया, यह तबाही है हुजूर, लौट चलने का आदेश दीजिए, लौट चलने का आदेश दीजिए। तुर्क के शब्द पूरे होने से पहले ही एक तीर उड़ता हुआ आया और उसने उस सैनिक की बाई आंख में धस गया। वो दर्द से चीखता हुआ अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मकसूद की दूसरी तरफ खड़ा करीम चिल्लाया, लौट चलने का आदेश दो मकसूद। इस हमले के बीच भी मकसूद जानता था कि लौटना नामुमकिन है। ज्यादातर तीर उनके पीछे से आ रहे थे। उसे इस जंगल के बारे में अच्छी तरह से पता था। इस हमले से निकलने का एक ही रास्ता था, पीछे हटना नहीं, पूरी ताकत से हमला करना,
घात लगाकर किए गए इस हमले से बचने का एक ही तरीका था कि इसे नाकाम बनाना, पेड़ों पर ऊंचाई पर बैठे तीरंदाजों के दायरे से बाहर आ जाना और फिर जंगल में दाहिने तरफ छिपकर भाग निकलना। पूरी ताकत लगाकर सामने से हमला करो, मकसूद गर्जा। मकसूद ने अपने घोड़े को ऐंठ लगाई और साहसी तुर्क भी अपने सेनापति के पीछे सरपट दौड़ने लगे, पागलों की तरह चिल्लाते हुए, अपने आप को हमले की शक्ल में झोंकते हुए। यह लड़ाई उनकी जिंदगी के लिए थी। अचानक अश्वघोष की अगुवाई में सशस्त्र सैनिक तुर्कों को रोकने के लिए जमीन पर अपनी छिपी हुई स्थितियों से उठकर खड़े हुए या पेड़ों की निचली शाखाओं से कूद पड़े। वो लगातार तीरों की बारिश कर रहे थे। अब तक जंगल में उजाला भर चुका था क्योंकि भारतीय ने तुर्कों पर हमला करने के लिए मकसद से काफी ज्यादा मशाले जला ली थी। मजबूती से लड़ो, मकसूद गर्जा, मजबूती से लड़ो। अश्वघोष ने देखा कि हमलावर दस्ते की अगुवाई कर रहा तुर्क उन लोगों को काटता जा रहा है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस तुर्क की सोने की नोक वाली टोक और अच्छी गुणवत्ता का कवच साफ कह रहा था कि वो तुर्क सेना के वरिष्ठ अधिकारी में से एक था। अश्वघोष जानता था कि सुहेल देव इस सेनापति को उसके पास जिंदा ले जाने पर पसंद करेगा क्योंकि उसे यातना देकर जानकारी निकलवाई जा सकती थी। उस तुर्क सेनापति को पकड़ो, अश्वघोष चिल्लाते हुए तुर्क घुड़सवारों की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जिंदा पकड़ना। संगमणि भी अश्वघोष के इस हमलावर दस्ते का हिस्सा था और वो घुड़सवारों के रास्ते में ही था। मकसूद ने रफ्तार बढ़ाते हुए संगमणि की पलटन की तरफ दौड़ लगाई। सन्यासी ने कुछ तीर चलाए लेकिन वो मकसूद के बेहतर और मजबूत कवच से टकराकर बेकार हो गए। संगमणि ने अपना धनुष गिरा दिया और अपनी तलवार बाहर निकाल ली। जय माँ भारती, जय माँ भारती, भारतीय पलटन ने गर्जना की। इस दौरान दूर खड़ा अश्वघोष अपने मित्र की ओर दौड़ने लगा। इससे पहले कि मकसूद संगमणि तक पहुंचता, सुहेल देव का एक और सैनिक उस पर झपट पड़ा। मकसूद ने पूरी तरह से तलवार चलाई और उस भारतीय की बांह को करीब करीब अलग कर दिया जिसमें उसने तलवार पकड़ रखी थी। वो आदमी घूम गया और अपने घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। मकसूद उसे पीछे छोड़ता हुआ संगमणि पर झपटा और उस पर अपनी तलवार जोर से लहराई। वो सन्यासी बगल की तरफ लुढ़क गया, मकसूद के प्रहार को बेकार किया और घोड़े के पैरों पर पूरी ताकत से तलवार को लहराया। किसी घोड़े और उसके सवार को नीचे गिराने का सबसे माना हुआ तरीका। लेकिन तुर्क घोड़े ऐसे हमले के लिए सुरक्षित थे। उनके पैरों पर नीचे से घुटने तक चमड़े के कवच चढ़े हुए थे जिससे तलवारों के लिए उन्हें काटना मुश्किल हो जाता था। घोड़े पर कोई असर नहीं हुआ। जब संगमणि असहाय की तरह देख रहा था, मकसूद ने मारक प्रहार के लिए एक बार अपनी तलवार पीछे की। अश्वघोष बिल्कुल उसी क्षण पहुंचा। जिस आदमी को मकसूद ने कुछ देर पहले घायल किया था वो अभी भी अपने घुटनों पर था और अपनी बांह के खुले हुए घाव को पकड़े हुए था। अपनी रफ्तार को बदले बगैर अश्वघोष सीधा दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, एक पैर उसके कंधे पर रखा और पूरे ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हवा में उछालकर सीधा मकसूद से टकराया। दोनों आदमी घोड़ों से एक साथ जमीन पर गिर पड़े। अश्वघोष लुढ़कता हुआ कुछ दूर गया, फिर अपने हाथों को जमीन पर अपने सिर के पीछे रखा और अपने आप को उछालकर पैरों पर खड़ा हो गया। जब तुर्क सेनापति अपने आप को संभाल ही रहा था, अश्वघोष ने अपने शरीर को घुमाते हुए जोरदार लात से उसके सिर पर जमाई और फिर वह जमीन पर लुढ़क गया। इस बीच संगमणि को एक दूसरे तुर्क सैनिक ने रोक रखा था। करीम इस लड़ाई में ज्यादातर समय मकसूद के पीछे घोड़े पर सवार था, लेकिन उसका रास्ता सुहेल देव के दो सैनिकों ने रोक रखा था जो भाले लहरा रहे थे। उसने अपने प्यारे सेनापति को बचाने का रास्ता ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की थी। जब करीम अपने सामने खड़े सैनिकों से पूरी ताकत से लड़ता जा रहा था, वो उस आदमी की जिंदगी के लिए जोर से चीखा जिसे वो प्यार करता था, मकसूद। अश्वघोष ने अपने कमरबंद में एक कटार निकाली और लड़खड़ाते हुए तुर्क सेनापति तक पहुंचा,
जो जमीन पर अपने तलवार ढूंढने के लिए जूझ रहा था। मकसूद का टोप गिरा हुआ था। जब अश्वघोष ने धमकाने वाले अंदाज में अपनी कटार पीछे की, वो गर्जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मकसूद अपना एक हाथ उसके ऊपर करके मुड़ा, जैसे कि वो आत्मसमर्पण कर रहा हो। उसका चेहरा, जो अब अंधेरे में था, एकाएक रोशनी में दिखा। अश्वघोष सन्न रह गया। अस्लान, वो हिचकिचाया। उसकी कटार बीच हवा में रह गई। वो हिचकिचाहट बौद्ध सन्यासी के लिए प्राण घातक साबित हुई। मकसूद को उसकी तलवार मिल गई और उसने निर्ममता से हमला कर दिया। तलवार सन्यासी के पेट को काटती हुई चली गई और उससे उसकी मांसपेशियां और महत्वपूर्ण अंगों को चीर डाला। मकसूद ने और ताकत से उसे घुमाया और तलवार उस बहादुर सन्यासी की पीठ के पार कर दी। अश्वघोष के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। कटार उसके सुन्न हाथों से नीचे गिर गई। उसके घुटने झुक गए और उसने अपने पैरों पर खड़े रहने के मकसद से तुर्क के कंधे पकड़ लिए। मकसूद खड़ा हुआ। उसने अभी भी तलवार थाम रखी थी। उसने अश्वघोष की गर्दन को पकड़ा, फिर धीरे धीरे तलवार को निर्ममता से घुमाते हुए उसे बाहर निकाला। उसके जख्मों से खून तेजी से बाहर निकला और उसके पैरों के पास की जमीन लाल हो गई। सन्यासी पल भर के लिए लहराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच करीम ने उसका रास्ता रोक रहे दोनों सन्यासियों को हरा दिया। वो मकसूद की तरफ अपने हाथ फैलाकर दौड़ा। मकसूद, तुर्क सेनापति ने करीम की बाहें पकड़ ली और छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ गया। तुर्क घुड़सवार नाकाम हमले के बाद पीछे हट गए थे। तब तक संगमणि अपने साथ लड़ रहे तुर्क को मार गिराया था। वो भागता हुआ अपने घायल मित्र के पास पहुंचा। अश्वघोष, अश्वघोष जानता था कि वो मरने वाला है। घाव बहुत गहरा था और कई महत्वपूर्ण अंग कट फट गए थे, लेकिन वो अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं था। वो किसी और चीज से भयभीत नहीं था। उसने अपने मित्र को मजबूती से पकड़ा और भागते हुए तुर्क की ओर इशारा करते हुए जल्दी जल्दी बुदबुदाने लगा, अश अश। संगमणि ने अश्वघोष को उठाने की कोशिश की ताकि उसे छावनी में वापस ले जाया सके, लेकिन अश्वघोष ने ऐसा करने से रोक दिया। भागते हुए तुर्कों की तरफ इशारा करके उसने अपनी बची हुई ताकत समेटी और जल्दी से फुसफुसाया, अस्लान, वो अस्लान है। सुहेल देव को सावधान करो, महाराज को सावधान करो। संगमणि ने स्तब्ध होकर रात में भागते हुए तुर्कों को देखा और फिर अपने मित्र को देखा। अस्लान, सुहेल देव को बचाओ। इतने बड़े छल की सच्चाई एकाएक संगमणि को समझ आई। सुहेल देव, अंगरक्षक, अस्लान के आदमी, हे भगवान बुद्ध। अध्याय 29। शांत हो जाओ अब्दुल, सुहेल देव ने अपने दोस्त को संभालते हुए कहा। रात काफी हो चुकी थी। गुस्से से लाल अब्दुल सुहेल देव के राजसी शिविर से बाहर था। पूरी छावनी में हर तरफ कई और मशाले जला दी गई थी और राजसी शिविर के बाहर का इलाका विशेष रूप से अधिक रोशनी में रखा गया था। तुर्कों के हमलावर दस्ते की तबाही की खबरों ने बाकी भारतीयों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया था, लेकिन अब्दुल नाराज था, सुहेल देव से नाराज था। मैंने आपको कहा था कि उस पर यकीन ना करें, अब्दुल चीखा। मैंने आपको कहा था कि वो हमारी सेना में उसे ना आने दे। मैंने आपको बताया था, सुहेल देव ने अपना लहजा शांत रखा। अब्दुल, मैं नहीं मानता कि, लेकिन अब्दुल सुन नहीं रहा था। वो अपने सैनिकों की ओर मुड़ा। अस्लान के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लो, इसी वक्त उन सभी के सिर काट डालो, वो तुर्की कुत्ते हैं। अब्दुल, सुहेल देव ने कड़ी आवाज में कहा, तुम्हें क्या हो गया है, शांत हो जाओ। हम अपने लोगों के बीच बंटवारा नहीं कर। मैंने आपको कहा था, आपने गलत आदमी पर भरोसा किया। अस्लान ने अश्वघोष को मार डाला, वो अस्लान। अब्दुल बोलते बोलते रुक गया जब सुहेल देव के शिविर का पर्दा अचानक उठा और अस्लान बाहर निकला। उसके पीछे तौशानी और गोवर्धन थे। अब्दुल ने अस्लान को घूरा। वो पलभर के लिए स्तब्ध रहा था, फिर
उसने गुस्से में चीखते हुए उस पे धावा बोल दिया और उसके गले को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब्दुल रुको। सुहेल देव ने अब्दुल को पकड़ा और उसे दूर खींचने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल अब गुस्से में चीख रहा था। जब गोवर्धन और सुहेल देव किसी तरह उसे पीछे खींचकर दूर कर रहे थे, उसने जोर से लात मारी और वो सीधे असलान के सीने पर लगी। असलान इस चोट से तिलमिला गया और घुटनों पर आ गया। अब्दुल ने अपने आप को गोवर्धन के पकड़ से छुड़ाया और असलान को फिर से उसी पसलियों पर लात मारी, जिससे वो जमीन पर लुढ़क गया। अब्दुल रुको, गोवर्धन चिल्लाया और उसने अब्दुल को फिर अपनी ओर खींच लिया। असलान वहां पड़ा रहा। वो जानता था कि सच सामने आ चुका है, किसी न किसी दिन इसे बाहर आना ही था। वो बस आश्चर्यचकित था कि यह छल कितने समय तक चलता रहा। सुहेल देव और गोवर्धन अब्दुल को खींचकर दूर ले जाने लगे और वो इस दौरान भी गालियां बकता रहा। वो हवा में लाते चलाता रहा। तोशानी असलान की मदद के लिए उसकी ओर दौड़ी। सुहेल देव ने अब्दुल को कसकर पकड़ा और करीब करीब बिनती के अंदाज में कहा, अब्दुल शांत हो जाओ, वो अश्वघोष को नहीं मार सकता, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। असलान तो शिविर से बाहर निकला ही नहीं, वो पूरे दौरान मेरे साथ था। वो वहां था, अब्दुल चीखा, उसने अश्वघोष को मारा, संगमणि ने उसे देखा। असलान तौशानी के बिना सहारे धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके चेहरे का सारा रंग उतर चुका था, वो थका हुआ दिख रहा था। संगमणि की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी बहादुर अब्दुल, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं बता रही थी। पहेलियों से बातें करना बंद करो आस्तीन के सांप, अब्दुल ने उसे गुस्से से कहा। वो अपने आदमियों की ओर मुड़ा। असलान को मार डालो, उसके सभी आदमियों को मार डालो। रुको, सुहेल देव ने अपना हाथ उठाकर आदेश दिया और अब्दुल के आदमी वहीं रुक गए। वे अपने राजा का आदेश मान रहे थे। असलान नीचे की तरफ देख रहा था, चुपचाप परेशान। इस चुप्पी को सुहेल देव ने तोड़ा। असलान बोलो। बस उसे मार डालो, अब्दुल चीखा। गोवर्धन ने गुस्से में उबलते हुए अब्दुल को शांत किया। सुहेल देव असलान की ओर देख रहा था। असलान की आंखों में डर था और उदासी, गहरी उदासी। सुहेल देव ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी, असलान बताओ क्या हो रहा है, बताओ, इससे पहले कि मैं अब्दुल के हाथों को आजाद करने के लिए मजबूर हो जाऊं। असलान ने सुहेल देव की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे कि वो अपने आप को मजबूत बना रहा हो। जब उसने बोलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द उससे जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो मैंने कहा था, अब्दुल फिर से गुस्से से फूट पड़ा। मैंने कहा था, सुहेल देव ने अपना हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया और अब्दुल ने उसे माना। श्रावस्ती के राजा ने अपनी तलवार की मूट थाम ली और उसके बाद उसे बाहर निकालने को तैयार हो गए। असलान को घूरते हुए वो गर्जा, कौन हो तुम? असलान की आंखें नीचे की तरफ थी। अल्लाह मुझे रहम करे। असलान अभी बताओ, असलान ने एक गहरी सांस ली और साफ साफ कहा, मेरा नाम सालार मसूद है, मैं महरूम सुल्तान महमूद गजनी का भांजा और तुर्क सेनापति सालार मकसूद का जुड़वा भाई हूँ। इस बात को लगभग आधा घंटा हो चुका था। सुहेल देव, तोशानी, गोवर्धन, अब्दुल और संगमणि राजसी शिविर में चले गए थे। असलान वहां, उसके हथियार ले लिए गए थे और शिविर के भीतर 10 सैनिक थे, असलान की किसी भी हरकत के लिए बिल्कुल तैयार। इस बीच असलान के सैनिकों पर सुहेल देव के सैनिकों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी। असलान ने सुहेल देव और बाकी लोगों को अपने जीवन की वास्तविकता बता दी थी, सालार मसूद के रूप में उसके जीवन की। यह वास्तविकता थी
कि जो सालार साहू और सित्र ए मुल्ला का छोटा बेटा था। साहू गजनवी फौज में एक सेनापति था, जबकि सित्र ए मुल्ला खुद सुल्तान महमूद की बहन थी। हालांकि उनका जन्म उनके जुड़वा भाई सालार मकसूद के कुछ ही मिनटों बाद हुआ था। उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। उसने अपने जुड़वा भाई की धर्मांतता के बारे में बताया और सूफी रास्ते की तालीम और अमन को लेकर उसके अपने प्यार के बारे में, कैसे उसकी माँ ने उसकी मदद की जबकि उसके पिता उसके बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते थे। उसने बताया कि कैसे उसका भाई सुल्तान महमूद गजनी का चहेता था, क्योंकि मकसूद खुद सुल्तान की तरह पक्का धर्मार्थ था और सालार मकसूद की एक क्रूरता भरी हरकत के बाद जरूरी हो गया था कि कुछ किया जाए। ये तब हुआ जब महमूद की सेना ने एक और मंदिर को नष्ट कर दिया। इस बार मंदिर भगवान राम का था और पेशावर में स्थित था, जहां ज्यादातर आबादी बौद्धों और हिंदुओं की थी। उस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति भी लूट ली गई थी। कुछ हफ्तों बाद हिंदू पश्तूनों का एक प्रतिनिधि मंडल गजनी के राज दरबार में मूर्ति लौटाने की याचना करने आया। इसके बदले में वो अच्छी खासी रकम चुकाने के लिए तैयार थे, जिनका इस्तेमाल महमूद मंगोलों के खिलाफ युद्ध के लिए कर सकता था और जिसके लिए वो तैयार हो रहा था, और इसीलिए वो इस समझौते के लिए तैयार हो गया। मकसूद को इस समझौते की शर्त तय करने का जिम्मा सौंपा गया था। मकसूद ने जबरदस्त मोल तोल करके मूर्ति लौटाने के लिए बहुत ऊंची रकम रखी। पश्तूनों ने सारी रकम उनके मिले हुए निर्देशानुसार अग्रिम चुका दी थी और जब वो मूर्ति लेने के लिए महल में आए, मकसूद ने उनका अभिवादन शरबत के साथ किया। जब उन्होंने उसे पी लिया तो मकसूद ने बताया कि मूर्ति को तकनीकी रूप से उन्हें पहले ही लौटाई जा चुकी थी, क्योंकि भगवान की जिस मूर्ति को पश्तून पूजा करते थे उसे चूर चूर कर उनके शराब में मिला दिया गया था। मकसूद ने मूर्ति पूजक पश्तूनों का मजाक उड़ाते हुए उनके सामने एक गंभीर दार्शनिक विचारधारा की बद्दी व्याख्या रखी। उसने कहा कि चूंकि हिंदू मानते हैं कि भगवान हर किसी में और हर जगह है, अब वो भगवान उनके पेट में भी है। क्रोधित पश्तूनों ने मकसूद को लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सैनिकों ने उन्हें हरा दिया और शहर के बाहर निकाल दिया। उन पश्तूनों में से हर एक भयावह रूप से परेशान था, क्योंकि अनजाने में ही सही उन्होंने शराब पीकर पाप किया था। उनमें से हर पश्तून ने शहर के मुख्य द्वार पर आत्महत्या कर ली थी और मरते समय उन्होंने गजनी शहर और उसके शासकों को श्राप दिया था। मकसूद ने पश्तूनों के बलिदान का मजाक उड़ाया, लेकिन गजनी के कई नागरिक पश्तूनों के इस पीड़ा से हिल गए थे। उसमें से एक असलान था। असलान गुस्से में था। वो मानता था कि यह इस्लाम के सीख के खिलाफ है। उसने अपने भाई मकसूद का विरोध किया और यह विरोध उन दोनों के बीच तलवार की लड़ाई तक बढ़ गया। उसकी मां ने लड़ रहे भाइयों को रोकने के लिए दखल दिया था। इन सब से असलान के मन में नफरत भर गई थी और उसने गजनी छोड़ने का फैसला कर दिया था। किसी ने तुम्हें रोका नहीं? सुहेल देव ने पूछा। किसी को परवाह नहीं थी, असलान ने जवाब दिया, सिवाय मेरी माँ के। वो जानती थी कि मेरी सोच गजनी के कुलीन समाज में कुफ्र समझी जाती थी। ज्यादा वक्त नहीं लगता, जब मुझे धर्म भ्रष्ट घोषित कर दिया जाता और मार दिया जाता। मैं एक भरोसेमंद सैनिक ओजगुर की मदद से शहर से बाहर भाग आया। एक कहानी फैलाई कि मैं झिकाई नदी में गिरकर डूब गया। मैंने अपना नाम असलान रख लिया और भारत आ गया, जहां मुझे शेख नूरुद्दीन मिले और मैं उनका शागिर्द बन गया। इसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। तुमने हमें अपनी कहानी पहले क्यों नहीं बताई? गोवर्धन ने पूछा। असलान के चेहरे पर बेबसी के भाव आए। मैं चाहता था, लेकिन मैं उस झूठ के जाल में फंस गया था जिसे मैंने रचा था।
मैंने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। जब तुम मुझे मिले, मैं असलान के रूप में रह रहा था। अगर मैं उसी वक्त तुम्हें यह कहानी सुनाता, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते या मुझे अपने जासूस की तरह रखते? मैंने उम्मीद की थी कि मसूद की जिंदगी मैं पीछे छोड़ आया हूँ और अब मैं सारी जिंदगी असलान की तरह बिताऊंगा, लेकिन आखिरकार मेरे अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सुहेल देव बोला, अब तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि जो चीज भारत में मौजूद है वो कीमती है। क्रोध से भरे हुए इस युग में यह अकेला देश है जहाँ अलग अलग धार्मिक समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। यही वो इकलौता देश है जहाँ सिया और मुन्नी मुसलमान एक दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप से शांति के साथ रहते हैं। यही वो इकलौता देश है जहाँ आप सभी धर्मों, सभी भगवानों की पूजा कर सकते हैं और कोई आप पर सवाल नहीं उठाता। भारत को बचे रहने की जरूरत है, सिर्फ इस्लाम या हिंदू धर्म की भलाई के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए। असलान ने सुहेल देव की आंखों में झांका, और आप महाराज उत्तर भारत में इकलौते आदमी हैं जो आगे बढ़ रहे तुर्क गिरोह के खिलाफ लड़ाई करने की अगुवाई के काबिल है। इसीलिए मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप जैसे किसी आदमी की तलाश में था। सुहेल देव ने कुछ नहीं कहा। तुर्क फौज में भी कुछ लोग हैं जो अमन चाहते हैं। तौशानी बोल पड़ी, कौन? आप करीम के बारे में जानते हैं, उनकी फौज का सेनापति और मकसूद का प्रेमी। वो मेरा पुराना दोस्त है, वो भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। वो अमन चाहता है ताकि वो मकसूद को दूर ले जा सके और वो किसी दूसरे देश में खुशी खुशी रह सके। वो जानता है कि जब तक मकसूद भारत पर जीत का ख्वाब देखता रहेगा, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वो अपनी पूरी जिंदगी बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद कर देंगे। गोवर्धन और तौशानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें असलान की कहानी पर यकीन है। सुहेल देव का चेहरा भावहीन था, उदासीन, लेकिन साफ तौर पर अब्दुल को एक शब्द पर भरोसा नहीं था। वो सुहेल देव की तरफ मुड़ा, यह बकवास है, क्या आप उसकी बेजोड़ कहानी पर यकीन करते हैं राजन? सुहेल देव चुप रहा। वो असलान की आंखों में झांक रहा था, अपने मन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम इसके साथ क्या करें? अब्दुल ने अपने हाथों को फड़फड़ाते हुए कहा। उसके दिमाग में साफ था कि क्या करना है। सुहेल देव खड़ा हुआ और शिविर के एक छोर पर रखी भगवान शिव की मूर्ति के पास गया। उसने मेज के चारों तरफ बैठे लोगों की तरफ पलटकर नहीं देखा, वो भगवान के चरणों की तरफ देखता रहा, फूलों और बेल पत्रों को देखता रहा जो वहां रखे थे, जलती हुई अगरबत्ती की राख को देखता रहा। काफी देर बाद वो मुड़ा और असलान की तरफ देखा। कल तुम और तुम्हारे आदमी बिल्कुल आगे होंगे, तुम एक अलग इकाई बनाओ और मेरे मुख्य पैदल सैनिक तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें तुर्कों के केंद्र पर आक्रमण करने की अगुवाई का सम्मान मिलेगा। असलान ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। सुहेल देव की यही पहचान है, दयालु लेकिन व्यवहारिक। असलान जानता था कि उसे और उसके सैनिकों को मार डालना सुहेल देव के लिए आसान है, लेकिन साफ तौर पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद वो मानता था कि असलान और उसके आदमी निर्दोष हैं, लेकिन वो उन्हें कैदी की तरह भी नहीं रखना चाहता था। उसे उनकी पहरेदारी के लिए अपने आदमी तैनात करने पड़ेंगे, वो आदमी जिनकी जरूरत लड़ाई में होगी, और वो असलान और उसके आदमियों को अलग रखना भी नहीं चाहता था। अगर वो गद्दार निकले तो वो वहां के भारतीय युद्ध के पक्ष को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। इससे कहीं बेहतर था कि असलान और उसके आदमियों को आगे कर दिया जाए, केंद्र में जहां ज्यादातर लड़ाई होगी। इसे एक सम्मान समझा जाएगा, और अगर वो गद्दार निकले तो उस स्थिति में
वो भारतीय पक्ष को बहुत कम नुकसान पहुंचा सकेंगे। दयालु लेकिन व्यवहारिक, असलान खड़ा हुआ और सुहेल देव को सलाम किया। मेरे आदमी और मैं आपको निराश नहीं करेंगे महाराज।